पिछले 6 माह से बकाया 7 करोड़ की पेमेंट व अन्य मांगों को लेकर जिले भर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक ठेकेदारों द्वारा दिए जा रहे धरना आज 28वें दिन वीरवार को भी निरंतर जारी रहा। स्थानीय कार्यकारी अभियंता के समक्ष आज भी मांग व मुद्दों को लेकर ठेकेदारों ने जोरदार विरोध जताया। आज के धरने के प्रदर्शन की अध्यक्षता ठेकेदार पवन सिरसिली द्वारा की गई। उन्होंने सरकार व विभाग के रवैये का कड़े शब्दों में विरोध जताया। ठेकेदार यूनियन प्रधान पूर्व चेयरमैन प्रीतम बलाली ने कहा कि बीते दिन पूरे हरियाणा के ठेकेदार पंचकुला हेड ऑफिस में पहुंचे हैं। वहां सभी ने मिलकर प्रदर्शन किया व मांगे उठाई। हेड ऑफिस पहुंचकर शाम के समय इंजीनियर इन चीफ से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा, करीबन 1.5 घंटे तक उनसे मुलाकात की। सभी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर बातचीत हुई। विभाग व इंजीनियर ऑफ चीफ की तरह से सकारात्मक रुख दिखाई दिया। जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदेश भर के ठेकेदारों ने निर्णय लिया कि अगले सप्ताह तक मांगों को पूरा करने के लिए विभाग व सरकार अगर कदम उठाना नहीं शुरू करती है तो आगे की रणनीति हिसार में मिलकर तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि बकाया बिलों के टोकन तथा मौखिक रूप से करवाए गए कार्यों के कागज पूरे हों, बढ़ाई गई 6% GST वापस ली जाए आदि मांगे भी रखी गई। सभी ठेकेदारों ने फैसला लिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। 28 दिन से हम लगातार चल रहे हैं धरने पर और हम ही नहीं पूरी हरियाणा के ठेकेदार अपनी मांगों के लिए 28 दिन से लगातार निरंतर चल रहे हैं। कल हमारी हेड ऑफिस पंचकुला अधिकारियों के साथ मीटिंग थी तो हम सभी वहाँ इकट्ठे हुए। हमें जुलूस की स्कल पर वहाँ हेड ऑफिस में गए। वहाँ EIC चीफ इंजीनियर थे लेकिन हमारी 5 बजे EIC से और सत्तू चीफ और एक्शन बजट और सारे ठेकेदारों की हमारी जो कमेटी थी हमारी 1.5 घंटों मीटिंग हुई। पॉइंट द पॉइंट हम चले 1.5 घंटे से तो उन्होंने वैसे तो काफ़ी जो हमारे पॉइंट थे उन पर सहमति तो जताई है लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा सा कम है क्योंकि अब आम जब तक हमारी जो डिमांड थी उस पर कुछ अमल नहीं हो जाएगा तब तक हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा क्योंकि हमारे ठेकेदारों सब ने फैसला किया था। अगर हमारी मांगों पर सहमति तो उन्होंने काफ़ी मांगों पर कर ली लेकिन क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान है पता नहीं फिर तड़का वो आज हम अरली तड़का नाट जाए लेकिन इसलिए हम हमारा धरना पूरा हरियाणा में जो धरने वो चलते रहेंगे और सोमवार तक कोई शुरुआत अगर नहीं हुई तो सोमवार को हिसार में पूरा हरियाणा के ठेकेदार वहाँ फिर इकट्ठे होंगे। भाई आदमपुर का चुनाव आ रहा है, चुनाव तो है ही, तो चुनाव में भी ऐसे है ना ठेकेदार अगर सारे इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो चुनाव में विरोध भी करेंगे, इसमें क्या है।